अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐड करेंगे इंटरनेशनल बैंक की बेनिफिशियरी यानी इंटरनेशनल इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं का भी बैंक हो बैंक अकाउंट ऐड करेंगे फ्रेंडी पे में ठीक है दोस्तों ज़ीरो फीस में मनी ट्रांसफ़र होता है तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ फ्रेंडी पे अगर आपके पास फ्रेंडी पे नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके किसी भी नंबर से अपना अकाउंट बना सकते हैं ज़रूरी नहीं कि फ्रेंडी का नंबर हो तभी आपका अकाउंट बनेगा यानी कोई भी नंबर है स्टीसी सा मोबाइल कोई भी जेन तो चलिए मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ अकाउंट कैसे बनता है उस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं हो सकता है शायद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर लास्ट में लिंक डाल दो ठीक है दोस्तों तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जीरो बैलेंस है इन नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस एड करके भी दिखाएंगे और मनी ट्रांसफ़र करके भी दिखाएंगे तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास तीन ऑप्शन है हम करेंगे लास्ट वाले ऑप्शन पर एड रिसीवर यहाँ पे कर देंगे क्लिक तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ पे अभी आपके पास इतनी कंट्री आपको किस कंट्री में मनी ट्रांसफर करना है वो कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा मैं जो इंडिया में करना तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे बैंक अकाउंट है सी टी ए इसी पे कर देंगे क्लिक यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका बैंक कौन से बैंक में आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं मुझे स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में करना है तो मैं सीधा एस पे चला जाता हूँ यहाँ पे मुझे स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया मिल गया है मैं इसी पे कर दूँगा क्लिक उसके बाद इस बैंक का आईएफएससी कोड आपको डाल देना है उसके बाद आपको डाल देना है अकाउंट नंबर चलिए मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देता हूं सॉरी अकाउंट नंबर हमारा है ये अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों सबसे नीचे आप सिलेक्ट करेंगे परपोज़ल फॉर ट्रांसफ़र यहाँ पे क्लिक कर देंगे और पर्सनल अकाउंट या फिर ट्रेवल एजुकेशन या फिर एम्प्लॉयर ड्राइवर मेड किसी की सैलरी सेंड करनी कुछ भी सिलेक्ट मैं यहाँ पे पर्सनल सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन है नेक्स्ट का तो इसी पे कर देंगे क्लिक अभी यहाँ पे सबसे ऊपर आप उनका नाम डाल देंगे जिनके जिनके नाम पे हमको जिनका बैंक अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे उसके बाद उसका जो सेंटर का नाम होता है वो डालना होता है लेकिन इनका कोई भी नाम नहीं है इनका सिर्फ सिंगल नेम है ना लास्ट नेम है चलिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं नेशनलिटी सिलेक्ट अगर आपके पास है नेम तो आप डाल सकते हैं मैं इंडिया कहाँ का रहने वाला है ये सिलेक्ट कर लेंगे मैं ये इंडिया का रहने वाला है इंडिया का के बैंक अकाउंट है तो तो इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा ठीक है उसके बाद कस्टमर रिसीवर रिलेशनशिप आपका इसके साथ क्या रिश्ता है तो चलिए मैं फैमिली सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको उनका नंबर डाल देना है जिनके अकाउंट में आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो चलिए मैं नंबर डाल देता हूँ उसके बाद दोस्तों मैंने तीन ऑप्शन खाली दो ऑप्शन खाली छोड़ दिए हैं लास्ट नेम का और ये चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करके देखते हैं एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है चलिए मैं अभी कर देता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक तो दोस्तों एक्सेप्ट नहीं किया इसने तो मैं कुछ भी इसमें फादर का नेम लगा देता हूँ इसमें टाइपिंग बहुत स्लो होती है दोस्तों और लास्ट नेम भी लगा देता हूँ इसमें है नहीं फिर भी मैं लगा देता हूँ ठीक है दोस्तों उसके बाद हम कर देंगे नेक्स्ट पे क्लिक यहाँ पे आपको आपकी पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी क्या क्या आपने नाम दिया है मैंने वो तीनों नामों में जो तीन ऑप्शन होते हैं उस नामों में तो मैंने लास्ट नेम और ये लगाया है ठीक है दोस्तों अगर मैं अगर आपको बेक जाके दिखा देता हूँ अगर मैं ये नाम हटा देता हूँ जो फादर का नेम है यहाँ पे देख लेते हैं ये लेता है या नहीं लेता है तो ले लिया दोस्तों लास्ट नेम जरूरी होता है वो बीच वाला सेंटर वाला कोई ज़रूरी नहीं होता है तो यहाँ पे आपको आपकी पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी क्या आपसी कोड है क्या है सब कुछ उसके बाद कर देंगे नीचे सबसे नीचे आप देख सकते हैं सेव रिसीवर तो यहाँ पे आप सेव कर लेंगे यहाँ पे आपके पास हो सकता है एक ओ टी पी आई जो जिस नंबर पे सॉरी यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है ठीक है दोस्तों एक मैंने पहले एक्टिव की है बेनिफरी तो वो एक्टिव आप देख सकते हैं ऊपर एक्टिव हो चुका है तो ये पेंडिंग दिखा रहा है तो इसको क्या करेंगे इसी पे कर तो दोस्तों हमारा पास कोई भी ओ नहीं आया है हमारे पास डायरेक्ट जो इसका फ्रेंडली पे के उधर से अलखर्च से कॉल आया हमको कि अगर आप बेनिफिशरी एक्टिव करना चाहते हैं तो एक दबाएं तो आपके पास ऐसी जैसे अभी मेरे पास कॉल आया तो ऐसी आपके पास भी कॉल आएगा तो आप क्या कीजिएगा एक्टिव के एक दबा दीजिएगा तुरंत एक्टिव हो जाएगा और कॉल को आपको डिसकनेक्ट नहीं करना है कॉल वहाँ से डिस्कनेक्ट होगा तो इसी तरीके से आप भी एक्टिव कर सकते हैं बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों बेनिफिशरी ऐड कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ के साथ बेलाइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ जो आपको काम आने वाली होती है तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं तो दोस्तों उसके बाद आप बैक आ जाएंगे वहाँ पे कुछ नहीं है अभी बीच में देख सकते हैं ट्रांसफ़र मनी इसी पे कर देंगे क्लिक यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाले मैंने पहले एड की थी और सेकेंड वाली अभी आपके सामने एड की थी यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं बहुत ही आसान सा तरीका आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं सो सऊदी के लिख देता हूँ यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो फ़ीस है दोस्तों आप बिल्कुल ज़ीरो फ़ीस से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं देख लीजिए फीस का कुछ भी नहीं लग रहा है और रेट भी बहुत ही अच्छा दे रहा है तो देख सकते हैं रेट भी उसको बीस के पार दे रहा है बीस के ऊपर दे रहा है तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए अपना ख्याल रखें थैंक यू